गद्दी पे मेरी मम्मी घंटों टाइम बिता बैठ के पूजा करती है। ये लड्डू गोपाल का छोटा सा आसन है जो कि कैमरा कैस्टिंग कर रहा है। शिवलिंग और ये रुद्राक्ष, नंदी गाय, ये पारद के शिवलिंग होते हैं, बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। ये मेरे पापा लेके आए थे, ये भी मतलब कई सालों से हमारे घर में ये कहे थे एकदम मतलब रियल पारद के शिवलिंग मिलना मुश्किल होते हैं, तो ये आसाम या फिर गुवाहाटी से मेरे पापा लेके आए थे। और ये है मम्मी के लड्डू गोपाल, जिनको बहुत ही प्यारी ड्रेस पहना रखी है। अगेन दो आसन और है यहाँ पे, ये लक्ष्मी जी प्लस ये गणेश जी, और इनके पास सुपारी और धूप, हर दिन मेरी मम्मी ताज़ा धूप चढ़ाती हूँ उनको। ये एक नंदी गाय है चांदी की, मतलब रियल चांदी की, और ये सूर्य का क्या बोलते हैं इसको पता नहीं। तो ये बहुत ही सुंदर सा एक छोटा सा मंदिर है, और ये मम्मी का ये इसका कर्टन है जो कि बहुत सुंदर है। ये देखो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, मम्मी ने खुद सिल के तैयार किया इसको। ये लगा देना जब रात को सोते हैं भगवान जी, तो ये लगा देती है ये देखो। और ये तांबे की वो है खाना खिलाने के लिए लड्डू गोपाल के लिए। अभी थोड़ा सा पूजा पाठ कम कर रखा है, ये जोत जलाने के लिए है, ये रात की जोत के बाद का है, मतलब इतना डेकोरेशन वगैरह नहीं कर रखा है मम्मी ने। और अभी आजकल थोड़ा सा कम कर दिया है मम्मी ने पूजा पाठ भी। दोबारा से स्टार्ट होगा, क्या लाइफ चलती रहती है, तो जब मम्मी दोबारा से ये एक कलश है जिसके अंदर धूप और पानी रखती है डेली, ये भी ना बांध करके रखेगी और पूरे घर में से छिड़काव करेगी इसका। ये है इधर, ये भर करके एक गंगा जल का ये रखा हुआ है जिससे भगवान को नहलाएगी। एंड काफ़ी सारी बुक्स है जो मम्मी पढ़ती है ना इधर, वो सारी बुक्स एंड पूजा का जो भी सामान होता है वो सारा इधर रखा हुआ है। इतनी सारी बुक्स पढ़ती है ना, के अंदर भी अगेन मम्मी की माला एंड मिश्री का प्रसाद जो होता है ये हर दिन पूजा में चढ़ता है। बाहर कितनी आवाज़ कर रहा है। ये थाली है, इसमें डेली सारे भगवान का अलग अलग भोग लगता है, तो ये सुबह शाम क्लीन होती रहती है, यूज आती रहती है। ये कलश तो ये बहुत ही छोटा सा, और सच में यहाँ पे आने के बाद है ना बहुत ही शांति मिलती है, सुकून मिलता है। ये वाली थाली पे बैठो ना तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैजिकल आप बोल सकते हो। इतने सालों से हम इस पे बैठते आ रहे हैं ना, तो ये बोलते हैं ना वाइब्स कैच कर लेती है वो जगह, मतलब जैसे मंदिर में पूजा ही पूजा करोगे ना तो एक पॉजिटिविटी आ जाती है, वैसे इस जगह में इतनी पॉजिटिविटी आ गई ना, इतना अच्छा फील होता है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं और भाभी सा खाना खा रहे हैं, मम्मी भी पास में लेटे हुए हैं, तो हम लोग बातें कर रहे हैं। एंड बातें करते करते यही वाला टाइम होता है ना, यही मेमोरीज होती है, अच्छे लगते हैं। एंड उसके बाद खाना खाने के बाद आई थिंक थोड़ी देर और बैठे होंगे हम लोग बातें की। दिन छोटा होता है, काम में भी पता नहीं चलता, एंड कोई आने जाने वाले भी रहते हैं, तो बस ऐसा ही रहा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो आज मुझे ना सोने का फुल टाइम मिल रहा था कि मैं आराम से सो सकती हूँ, बुगू को मम्मी रख लिए, भाभी से रख लेंगे, लेकिन आज मेरे को नींद ही नहीं है। आज मेरी मम्मी 4 बजे उठती है और शायद मैं 1 घंटे के बाद ही उठ गई थी, 5 बजे से मैं जगी हुई हूँ। 2 बार चाय पी ली है और अभी थोड़ी सी चाय नाश्ता लेंगे। बस कंबल में सो रही हूँ, ये इतना फ़ायदा हुआ है मुझे यहाँ आने का कि मैं कंबल से बाहर नहीं निकल रही हूँ। और एक्चुअल मेरा सर्दी अपने मायके में ही जानी चाहिए। और बुगू बाहर, मम्मी के पास है, न्यूज़पेपर आ गए, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। हाँ हाँ, दे दियो।
क्या कर रहे हो तुम तीनों? से पंगे ले रहे हो? चलो तुम्हें अभी मिलाती हूँ बच्चे पार्टी की गैंग से। क्या नाम है उसका? सीजू। क्या नाम है? सीजू। सीजू, हेलो सीजू, बुलाओ इसको, इधर बुलाओ जी से। तेरे पीछे पीछे आ रहा है? हाँ, ये उनकी। हाय सीजू। अरे बाबा रे, मेरे पीछे झूम गई। हाँ बस, तो इससे डरने की क्या बात है? डुगू डर क्यों रहा है भाई? इधर आ, डरना क्यों? डरो मत, भागो मत, भागो नहीं। तुम जाके दिखाओ मुझे, पास में खड़े होके दिखाओ उसको। खेलता है? हाँ ये खेल रहा है। अरे ध्यान से, ये है मेरी मोस्ट फेवरेट जगह, इसके बिना ये ब्लॉग अधूरा रहेगा। तो ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा गार्डन, इसमें हर तरह की सब्जियाँ पेड़ पौधे मिलेंगे एंड बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी रहती है, एकदम से खुला खुला सा, काफ़ी अच्छा पीसफुल सी जगह है ये भी। तो यहाँ पे छोटी छोटी क्यारी बनी हुई है, इसके अंदर खूब सारी सब्जियाँ लगी हुई है, मूली, गाजर, पालक, जो भी, धनिया पत्ता, टमाटर, हरी मिर्च, काफ़ी सारी अलग अलग तरह की। एंड लास्ट ईयर तो और भी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि पिछली सर्दियों में मैं घर पे ही थी तो और भी ज़्यादा था। अभी 6-7 महीने से हर कोई डिस्टर्ब है तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये खाली खाली है पहले की बजाय। बट फिर दोबारा करेंगे मेहनत। और ये अगेन इस यहाँ पे क्या है, एलोवेरा के पौधे लगे हुए हैं, ये है प्याज, ये है हरी मिर्च, इसके अलावा गुलाब के भी पौधे हैं, आम के भी हैं, और आम के अलावा नींबू के, अनार के। ये आम का पेड़ है, कितना बड़ा हो गया, लास्ट ईयर छोटा था, अभी बहुत बड़ा हो गया। ऐसे देखते हैं ना कि पहले छोटा पेड़ अचानक से बड़ा दिखे तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, देखकर खुशी होती है। तो नीम के, इस तरह कड़ी पत्ता के, अलग अलग तरह के काफ़ी सारे पौधे हैं। और इसके अलावा ना वहाँ पे तुलसी भी खूब हुआ करती थी पहले, अभी इस साल नहीं है, पिछले साल बहुत ज़्यादा थी, अलग ही जगह बना रखी थी। इसके अलावा तुलसी के अलावा खूब सारे बैंगन के पौधे बहुत थे, अलग अलग तरह के, पर्पल कलर के, वाइट कलर के बैंगन भी खूब लगते थे। इसका उद्घाटन मम्मी ने किया था, तो एज ए मेमोरी ये रखी हुई है, मम्मी के हाथों उद्घाटन हुआ था ना वहाँ का, इसलिए रखा हुआ है वो। बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, कैसा लग रहा है? तो बस अब बारी आ जाती है सीख की, यानी बेस की। तो बिना बेस के तो जब भी बहन बेटी मायके से आए जाए तो अधूरा ही रहेगा ना ब्लॉग भी। तो बस थोड़ी बहुत, ये दोनों तीनों ड्रेसेस मेरी है, मैंने ली थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ वो लेने देने वाला सूट नहीं किया, एक्चुअल में कुछ ध्यान ही नहीं रहा, तो जितना मुझसे सूट हुआ उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। सो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं अगेन बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और कमेंट दोनों चीज़ ज़रूर करें, ताकि
ताकि मैं ऐसे ब्लॉग्स और डालती रहूँ और मुझे पता चले कि आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और शेयर कीजिएगा अपने जितने भी अपने फ्रेंड्स दोस्त जो भी है, ताकि ज़्यादा लोग देखें। और ये शॉप है जहाँ से मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ, मेरी पर्सनली फेवरेट है। यहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को देखना है तो कमेंट जरूर करना, इसका कलेक्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ऑनलाइन भी ये बहुत अच्छा स्टफ़ भेजते हैं, तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। एंड इस वीडियो में मैंने थोड़ी सी बुग्गू की और मम्मी की क्लिप थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी है। वैसे तो घर जाती है ना, बुग्गू मम्मी के चिपक गया था, एक्चुअली छोड़ ही नहीं रहा था, मेरे पास भी नहीं आ रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एज ए मेमोरी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा डाल दी है। आई होप कि ब्लॉग पसंद आया होगा। अगेन बोलूँगी, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर करना। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।